इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। महोबा के कीरत सागर में हो रही वोटिंग और आए दिन हो रहे ऑर्केस्ट्रा से परेशान होकर कीरत सागर में पढ़ने वाले बड़े तादाद में छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी के आवास पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया है और वोटिंग को बंद कराए जाने और हो रहे शोर शराबे से निजात दिलाए जाने की मांग की है। कीरत सागर में आए दिन ऑर्केस्ट्रा और तेज आवाज में बजते फिल्मी गानों के चलते यहां पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई पर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा पुरातत्व विभाग के दायरे में आने वाले कीरत सागर में ठेका देकर वोटिंग स्ट्रीमर चलवाए जा रहे हैं, साथ ही यहां रोजाना तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाए और गाए जाते हैं, जबकि इसी कीरत सागर में कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र यहां रोजाना पढ़ाई करते हैं। महोबा मुख्यालय ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के तमाम छात्र यहां एकांत में कई सालों से पढ़ाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है और इसी बात से आक्रोशित और नाराज होकर छात्र इकट्ठा हुए और जिलाधिकारी की चौखट पर जाकर पहुंचे। जिलाधिकारी के आवास में बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और गेट पर बैठकर नारेबाजी करते हुए पालिका के द्वारा ठेकेदारी पर संचालित वोटिंग और वहां संचालित कैंटीन बज रहे संगीत को पूर्णतः बंद कराए जाने की मांग की है। छात्रों का ये भी कहना है कि सालों से इसी एकांत स्थान पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ते चले आ रहे हैं और इसी स्थान से पढ़कर तमाम गरीब परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी तक पहुंचते हैं, लेकिन अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए लिखित तौर पर प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को देकर कीरत सागर में संचालित वोटिंग कैंटीन और बज रहे फिल्मी गानों को पूर्णतः बंद कराए जाने की मांग की गई है और इस पर जिलाधिकारी ने छात्रों को हर मदद का आश्वासन दिया है। इंडियन टीवी न्यूज के लिए ब्रिजेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।